उनमें और चंद्रमौली सर में फर्क ये है कि कुछ तो ऐसे होते हैं वो सीधा न्यूज़पेपर ही खोल के उसके स्क्रीनशॉट डाल के एक एक अंडरलाइन करके पढ़ा रहे हैं तो भाई तो वो तो बच्चा खुद ही पढ़ लेगा जो टीचर का, का काम क्या है कि बच्चों का एफर्ट कम करे उसके कम टाइम के अंदर कवरेज दे सके जो चंद्रमौली सर रोजाना ये अपनी डेली एनालिसिस सीरीज में करते हैं यस चंद्रमौली सर ये आपने क्या सब फैला के रखा है सर ये हमारे एस्पिरेंट्स लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सर और न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं है सिर्फ उसमें से वो चीज़ निकालनी है जो मेरे एग्जाम में आए तो हम कोशिश वही करते हैं डेली बेसिस पे डेली न्यूज़ एनालिसिस में कि वही चीज़ रखा जाए जो मेरे थीम्स में सेट करती हो अगर आप सर ये देखेंगे तो आपको कुछ दिख रहे होंगे नाम लिखे हुए हैं जैसे एनर्जी लिखा हुआ है गवर्नेंस लिखा है लोकेशन लिखा हुआ है अब ये मेरी थीम्स है टोटल एट्टी थीम्स जो हमने निकाल रखी हैं वो हम डेली क्या करते हैं पेपर के साथ लेकर बैठते हैं अगर मेरा कोई थीम उससे मैच करता है तो हम अपना उसको कवर करने की कोशिश करते हैं

एक साल से ऊपर तो हो चुका है और ये आपको क्या लगता है सर मतलब वो जो डीएनए हो रहा है उसमें आपका क्या विचार है उनमें और चंद्रमौली सर में फर्क ये है कि कुछ तो ऐसे होते हैं सीधा न्यूज़पेपर ही खोल के उसके स्क्रीनशॉट डाल के एक एक अंडरलाइन करके पढ़ा रहे तो भाई तो वो बच्चा खुद ही पढ़ लेगा जो टीचर का काम क्या है कि बच्चों का एफर्ट कम करे उसके कम टाइम के अंदर कवरेज दे सके जो चंद्रमौली सर रोजाना ये अपनी डेली एनालिसिस सीरीज में करते हैं डेली आप न्यूज़पेपर में सब आर्टिकल पढ़ते हैं आपने बताया कुछ 85 अलग अलग थीम्स में आप उसको डिवाइड कर रहे हैं और फिर प्रेजेंट कर रहे हैं तो मतलब ये फिर भी दूसरों से कैसे अलग और यूनिक और एस्पायरेंट के लिए उपयोगी है सर हमने दो तीन चीज़ ढूंढी इस पूरे डी के मार्केट में हर कोई करता है लगभग और अच्छी चीजें करनी भी चाहिए हमने देखा सर कि एक घंटा प्लस बी डीएनए चल रहा है और उसका रिडेंडेंसी हमने ये देखा कि जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे यूपीएससी के लिए वो भी अच्छे खासे एक्सप्लेन किए जा रहे हैं क्योंकि हो सकता है यूपीएससी मुद्दा ना हो अगर यूपीएससी मुद्दा लेना है तो मेरे लिए आधे घंटे से पैंतीस मिनट से ऊपर मेरे आर्टिकल्स होते ही नहीं है इफ़ आई एम हार्ड कॉर प्रिपेयरिंग फॉर एनी पी और यूपीएससी एग्जामिनेशन टू बी वेरी क्लियर

ये तीन चार क्वालिटी हमने देखी जो हमें होनी चाहिए किसी भी डीएनए में पहला टाइम सेवर एक घंटे से ऊपर आप उसको सुनेंगे फिर जाकर आप उसको नोट्स बनाएंगे फिर आप पेपर भी पढ़ेंगे तो वो मुझे नहीं करना है अगर आप डीएनए अटेंड कर रहे हैं तो आप डीएनए सिर्फ पढ़कर नोट्स बना लीजिए एंड हैव दैट फेथ कि योर द हिंदू और वट एवर पेपर आई एम कवरिंग हैज डन नाउ सेकेंड प्रवचन अवॉइड करना है तो प्रवचन अवॉइड करने का मतलब भाई देखिए यूट्यूब पे चलने के लिए क्या होता है कई बार प्रवचन देना भी पड़ जाता है वो अलग बात है पर फिलहाल अगर पूरे सेशन में मैं प्रवचन ही देता रह रहा हूं उसका कोई फायदा नहीं होगा तो आप देखेंगे सेशन को तो आपको वहां पे एनालिसिस की की बात की जाएगी प्रवचन मिनिमल आएगा वाइज वाइज कंटेंट ये वर्ड हमने इसलिए यूज किया क्योंकि इतने साल हो गए कंटेंट तो सभी के पास है हम वाइज कंटेंट कैसे दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहे इसराइल के बीच में बहुत इश्यू चल रहा है पर आज तक हमने एक अक्रॉस चैनल दो लाइन नहीं देखी वो थी ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन अगर हमने उसको अपने कंटेंट में कवर किया है आई एक्सपेक्टेड अ क्वेश्चन और आप जाकर चेक कर लीजिएगा सीडीएस का क्वेश्चन उसमें साफ ब्लू लाइन के ऊपर पूछा हुआ है आपके यूपीएससी सीएससी में ग्रीन लाइन पूछ लेगा आपके रीजन पूछ सकता है इसराइल के तो वो वाइस कंटेंट है जो हम शायद कोशिश कर रहे हैं देने का एंड द लास्ट इज रास्ता क्या है मेरे पास वे फॉरवर्ड क्या है थीम्स आई हैव फेल्ट ओवर द दस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एनी करेंट अफेयर्स आप पूरे सिलेबस को 85 थीम्स में बांट दीजिए जो हमने बांटे हुए हैं हमने कई बार उसको बताया भी है यूट्यूब पे आपके सेशन में ही, उन 85 थीम्स को आप अलग अलग पेपर पर लिख लीजिए और चार फोल्डर बना लीजिए मेरे चार फोल्डर हो गए पेपर वन टू थ्री फोर के और इसी में मैं थीम्स अपने रखता हूं तो जैसे जैसे जो थीम आती जाएगी जैसे विमेन का थीम एवरग्रीन है हमेशा आएगा तो मैं विमेन का थीम निकालूंगा उसमें जो हमने आपको दिया एड किया उसको वापस रख लिया इससे रिविजन भी मेरा बेहतर हो जाएगा पर सर इसके बाद हम एक्सपेक्ट करना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स भी कुछ करें

बहुत थिन लाइन है दोनों के बीच में पर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ प्रीलिम्स और मेन्स में एक थिन लाइन बना के भी दोनों को अलग अलग से एक्सप्लेन करूं और ये आपका भी दायित्व है यू मेकिंग नोट्स प्लीज नोट डाउन प्रीलिम्स सेपरेटली एंड को थोड़ा सा अलग दिमाग में रखिएगा ये तीन चीज एक्सपेक्ट भी करते हैं सर हम बिल्कुल मित्रों तो इस प्रकार से सिस्टमेटिकली अगर आप डेली न्यूज पेपर को अप्रोच करेंगे तो आपका न सिर्फ टाइम भी बचता है लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी भी होती है और खासकर मेंस जहां पर आपकी आंसर राइटिंग स्किल की मदद से मतलब एक से हंड्रेड रैंक या एक से जो नौ सौ रैंक है उसमें एक एक मार्क से बहुत सारे आपके डिफरेंस हो जाते हैं सर्विस चेंज होता है जो आप सपना लेके बैठे हैं आई एस और फिर कोई दूसरा आपको सर्विस मिले ये सबके लिए निबंध में अच्छे मार्क्स एथिक्स में अच्छे मार्क मेन्स पेपर टू में वन में थ्री में अच्छे मार्क ये सब तभी आ सकते हैं जब आप करंट अफेयर्स पर ऐसी महारत हासिल करें चंद्रमौली सर का पूरा एक फ्री सीरीज यहाँ पर चलता है डेली न्यूज़ एनालिसिस के लिए और आप उसको बिल्कुल मिस ना करें सर खुद से भी कभी मिस नहीं करते सर सर कितने दिन से आपने पढ़ाया है है हमें लग रहा है कि आ, दिन कुछ होने वाले हैं और वो कंटिन्यूसली रहा है नॉन स्टॉप पांच सेंचुरी सर कंटिन्यूसली लगा रहे हैं आप भी मत छोड़िए जब सर इतनी शिद्दत से पढ़ा रहे हैं तो आप भी उसको एब्जॉर्ब करिए लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन